हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हमारे सर में जब जुएं हो जाती हैं और वो जाती नहीं है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, लाइक हमको इचिंग की प्रॉब्लम होती है और उससे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं हम। और ये गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गर्मी के सीज़न में हमारे सर में इतनी सफाई नहीं रख पाते हम जितनी रखनी चाहिए। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम अपना सर रेगुलर नहीं धोते हैं या फिर हम अपना सर में बहुत ज़्यादा गंदगी रखते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दो ऐसे ऑयल जिनको अप्लाई करने के बाद आपके सर से जितनी भी जुएं लीक हैं वो चली जाएंगी। और साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स जिनको जब आप अप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा कि विद इन अ वीक आपके सर से जितनी भी जुएं लीक हैं सब चले जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। ये ऑयल बनाने के लिए आपको जितना ऑयल अपने बालों में लगता है उतना लेना है। उसके बाद आपको इसमें एक चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक का रस चाहिए। आपको कद्दूकस करना है और उसको कपड़े की मदद से आपको उसका रस निकालना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरे ऑयल के लिए भी आपको जितना ऑयल अपने बालों में लगाना है उतना लेना है। उसके बाद आपको इसमें आधा चम्मच नीम का पाउडर ऐड करना है और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये ऑयल अप्लाई करने के लिए आपको कॉटन की हेल्प से इसको अपने पूरे सर में अप्लाई करना है क्योंकि नीम एंटीसेप्टिक होती है और ये आपके जितनी भी लाइस हो जाती है उसको कम करेगी और साथ ही साथ आपके सर में जितनी भी इस वजह से इचिंग या फिर इरिटेशन होती है उसको भी दूर करेगी। और उसके बाद आपको हल्के हाथों से अपने सर में मसाज करनी है और ये दूसरे ऑयल को भी आपको इसी तरह से अप्लाई करना है डैब डैब करते हुए कॉटन की हेल्प से। सबसे पहले जितना हो सके आपको अपने स्कैल्प की सफाई करनी है। अगर आपके जुएं या लीकें हो सकती हैं तो ट्राई कीजिएगा कि आप अपने बालों को वीक में कम से कम 3 बार धोएं। उसके बाद आप जो कंघी मिलती है मार्केट में उसकी हेल्प से जब आप ये ऑयल अप्लाई करेंगे तो आप उसके बाद एक या आधे घंटे बाद अपने सर में वो कंघी को नॉर्मल तरीके से निकालेंगे। उससे जितनी भी आपकी जुएं लिखी होंगी वो सब आ जाएंगी। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।